नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंडिकेट बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो के में कि हम सिंडिकेट बैंक के एटीएम पिन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है गिव अवे जो कि है पोको X2 मोबाइल। इस मोबाइल की कीमत है लगभग 20,000 रुपये। इसको अगर आप जीतना चाहें तो जीत सकते हैं। इसको जीतने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये दो स्टेप सबसे ज़्यादा जरूरी है। और तीसरा स्टेप है आप सभी के लिए कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसा लगा। ये तीन स्टेप्स जो भी फॉलो करेगा उसको हम अपनी विनर लिस्ट में शामिल करेंगे, उसमें रैंडमली किसी भी एक विनर को पिक किया जाए। और जो तीनों में से एक भी स्टेप फॉलो नहीं करने वाला है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं एटीएम पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, आप जब भी एटीएम मशीन में जाए अपना एटीएम पिन जनरेट करने के लिए तो अपना मोबाइल नंबर साथ में रखें जो कि बैंक के साथ लिंक है, क्योंकि उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा जो कि हमें एटीएम मशीन में सबमिट करना होगा। और ध्यान रहे जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, काफी ज्यादा लोग भूल जाते हैं कि जो सिंडिकेट बैंक है उसका अगर एटीएम आपके पास नहीं है, मतलब एटीएम मशीन आपके शहर में नहीं है या फिर आपके ब्रांच के आसपास कहीं नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केनरा बैंक के एटीएम से भी आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एटीएम में चले जाइए, आपका काम हो जाएगा जरूर। अब दोनों में ही सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस है, हमें यहां पे जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो हमारे सामने लिखा होगा प्लीज सिलेक्ट योर लैंग्वेज। जब हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तब कार्ड इंसर्ट करने के बाद हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी जो कि मैं यहां पे इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूं। और याद रहे दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो मैं इस मोबाइल पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सभी चीजें आपको यहां पे स्क्रीन में साइड में भी दिखती रहेगी ताकि आपको आसानी हो सके सारी चीजें समझने में। फिर यहाँ पे लिखा होगा एंटर पिन, आपके पास अगर पिन है ऑलरेडी तो आप एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा है ग्रीन पिन और क्रिएट पिन, अगर आप अपना एटीएम पिन भूल चुके हैं या फिर नया बनाना चाहते हैं शुरू से, जैसे कि मैं अपना एटीएम पिन अब नया बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम ग्रीन पिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ग्रीन पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा होगा प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अब आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो कि बैंक के साथ लिंक है, रजिस्टर है। फिर यहाँ पे हमें सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में यहाँ पे लिखा होगा प्लीज एंटर 6 डिजिट ओटीपी। अब आपको अपना 6 डिजिट का जो ओटीपी है वो लिखना है और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन। अब आपको अपना एटीएम का भी नया पिन है सेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या फिर भूल चुके हैं तो अब नया क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको यहां पे लिखिए आप जो भी नया करना चाहते हैं। बट काफी लोग क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 पिन रख लेते हैं जो कि सेफ नहीं रहता है, आप कोई थोड़ा हार्ड पिन रखिए। फिर यहाँ पे जैसे हम अपना नया पिन लिख लेते हैं तो उसके बाद में हमारे सामने इंटरफेस होगा प्लीज एंटर री एंटर योर न्यू पिन, मतलब आपने जो भी नया पिन लिखा है उसको री एंटर करना है ताकि मशीन है कंफर्म कर सके। फिर जैसे हम री एंटर करते हैं तो उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको सक्सेसफुल हो जाएगा और आप अपना जो कार्ड है वो बैंक से निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं। और आपका जो एटीएम पिन है वो सक्सेसफुली जनरेट भी हो चुका है और आपका जो कार्ड है वो एक्टिव भी हो चुका है। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप तक पहुंचाई है, इसके बदले आप एक वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।